हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम एमपी की नदियों को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियोस में ही हमने सारी नदी कर ली है, बस सोन नदी एंड तमसा नदी बची हुई है। इस वीडियो में हम सोन नदी को कंप्लीट करेंगे। सोन नदी को कंप्लीट करने के लिए हमें थोड़ा सा यूपी का मैप दिखाना पड़ेगा और उसके बाद बिहार एंड झारखंड का। तो यहाँ जगह नहीं है, हम दूसरा मैप बना लेते हैं। ये रफ में बना लिया फ्रेंड। ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन हमें इस पार्ट से मतलब है। हमें पता है ये शहडोल है और इसके पीछे है उमरिया, क्योंकि उसकी उम्र कच्ची है तो छपा लिया उसको, छत्तीसगढ़ से लगने नहीं दिया उमरिया। एंड ये शहडोल है और इसके नीचे है अनूपपुर। हमें पता है फ्रेंड्स, यहाँ अनूपपुर में अमरकंटक चोटी है, वहीं से सोन नदी निकली थी, निकलेगी, वहीं से नर्मदा नदी निकली थी और वहीं से जोहिला नदी भी निकलती है। तो अमरकंटक से, शहडोल से होते हुए, सीधी से होते हुए ये इधर यूपी में जाती है। फ्रेंड्स, यूपी का मैप यहाँ से ऐसे बनता है, इधर पूरा, ये पूरा यूपी है, इधर से यहाँ छत्तीसगढ़ है पूरा, और फिर इसके बीच में नीचे झारखंड, ऊपर बिहार। ये झारखंड का बॉर्डर थोड़ा यहाँ से बनता है, ऊपर छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बराबर से नहीं बनता, यहाँ से बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ यूपी में इंटर करती है नदी, फिर थोड़ा सा यहाँ पर बिहार एंड झारखंड के बॉर्डर पर चलती है, फिर ऊपर जाकर पटना में गंगा से मिल जाती है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने यहाँ सारी नदियाँ पढ़ी हैं, वो सारी यमुना में मिल रही थी, सिर्फ दो ही नदियाँ डायरेक्ट गंगा में मिलती है। एक तो ये सोन पढ़ रहे हैं हम, और नेक्स्ट यहाँ है तमसा नदी, वो प्रयागराज में डायरेक्ट गंगा में मिलती है। पहले फ्रेंड्स इसका थोड़ा फ्लो देख लेते हैं हम। अमरकंटक से निकली नदी और अमरकंटक से एक नदी और निकली, जोहिला नदी। जोहिला नदी जो निकलते ही सोन नदी में मिल जाती है। फिर ये नदी शहडोल में आती है, शहडोल में है बाण सागर परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर ये नदी सीधी की तरफ घूम जाती है, सीधी जिले की तरफ। यहाँ एक नदी आके मिलती है, महान नदी, ओके, एमपी के अंदर ही, एमपी के अंदर ही एक नदी और आके मिलती है, गोपद नदी, ठीक। फिर उसके बाद ये यूपी है, यूपी, तो ये नदी यूपी में इंटर कर जाती है और यहाँ पर है गोविंद बल्लभ पंत डैम, गोविंद बल्लभ पंत डैम या रिजर्वायर, ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। उसके बाद ये नदी यूपी में चलती है। यूपी में चलते चलते यहाँ दो नदियाँ और मिलती हैं इसी साइड से, एक है रिहांद नदी, यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं रिहांद नदी, एंड एक है ये वाली कानर नदी। ये दोनों नदियां यूपी के अंदर हैं। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है, यूपी से निकल जाती है, बिहार झारखंड का बॉर्डर बनाती है और यहाँ आके मिलती है एक झारखंड से नॉर्थ कोयल नदी, इसको हम उत्तरी कोयल भी बोलते हैं, और ये फिर ऊपर की साइड जाकर पटना में चली जाती है। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, एमपी में हमें दो तीन ही चीजें इसमें पढ़नी है, एक तो जोहिला नदी यहाँ से आके मिली, बाण सागर, महान नदी, गोपद नदी। जोहिला इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट से आके मिल रही है, महान एंड गोपद इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, और ये सारी ही राइट ट्रिब्यूटरी हैं जो हमने पढ़ी, रिहांद, कन्हार, नॉर्थ कोयल, बाण सागर, एमपी, यूपी एंड बिहार, तीनों की संयुक्त परियोजना है। इसमें खर्चे का और उपयोग का 2:1:1 रेशो यूज करता है, एमपी सबसे ज्यादा एंड यूपी एंड बिहार इक्वल। ये शहडोल जिले में है, ये शहडोल जिला है, शहडोल जिले में है, 1978 से बनना शुरू हुआ, 1998 में कंप्लीट हुआ। ये एमपी की थर्ड लार्जेस्ट नदी है, ये हमने पहले ही वीडियो में देख लिया था, फर्स्ट नर्मदा, सेकंड इस साइड में सबसे ऊपर यानी चंबल, फिर थर्ड सोन, तो थर्ड नदी है ये, और ये 784 किलोमीटर है। इसके कुछ उपनाम है फ्रेंड्स जो बड़े ही इजिली याद हो जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सुभागदी, सोन नदी से ये सारे नाम याद हो जाते हैं, सुभागदी, सोनपालिका, स्वर्ण नदी, सोनभद्र नदी, टॉलमी ने एक नाम दिया है, जैसे टॉलमी ने नर्मदा को नाम दिया था नामदासो, ऐसी टॉलमी ने इसको भी एक नाम दिया है, सुवा नदी। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक नदी पढ़ी थी नग नदी, तो याद हो गया था नग सोने का होता है, तो सोन नदी का नाम नग है, लेकिन बाद में पता लगा ये नग नदी नहीं है, नद नदी है, तो नद नदी भी सोन का उपनाम है। और एक है हिरण्यवाहा, बस आपको एक याद करना पड़ेगा, हिरण्यवाहा इसी का उपनाम है। फ्रेंड्स ये मैंने बीच में बाण सागर परियोजना बिल्कुल यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता होगा एमपी के ऊपर से नीचे हाइट कितनी है, 670 किलोमीटर,
तो इसी से हमें याद होता है बाण सागर डैम की हाइट है 67 मीटर। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं यानी सहायक नदियाँ जो आपको याद हो ही गई होंगी जब यहाँ से निकल रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से कौन सी मिल रही है हमें, जोहिला नदी मिल रही है, और उसके बाद लेफ्ट से कुछ मिल नहीं रही है। एक फ्रेंड घग्गर नदी को सोन की ट्रिब्यूटरी बताया है किसी वीडियो ने, लेकिन हमने जब डिटेल में देखा तो घग्गर नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी लग रही थी। फिर भी आप याद रख लो, अगर कभी ऑप्शन में आता है और घग्गर नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है सोन ऑप्शन में आता है तो टिक कर सकते हैं। ये इस साइड से आती है, बहुत बड़ी नदी है। लेफ्ट से घग्गर नदी भी लिख सकते हैं, राइट से, राइट हैंड से हमें सबसे पहले मिली थी महान नदी, उसके बाद यही एमपी में गोपद नदी, ये एमपी में हो गई। उसके बाद जब यूपी में आए थे, यूपी में एक ये रिहांद नदी और एक कन्हार नदी, तो रिहांद एंड कन्हार नदी। और जब झारखंड बिहार के बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तभी झारखंड से नॉर्थ कोयल नदी, ये सारी इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। याद करना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, रिहांद एंड कन्हार यूपी में, एक झारखंड में और दो एमपी में, बट गई सारी नदियाँ। एमपी में महान गोपद है, ये हम याद रख सकते हैं, दो यूपी में है। फ्रेंड एक लेटेस्ट न्यूज़ है, 2019 में कमलनाथ ने गोंड सिंचाई परियोजना शुरू करने की बात कही 30 नदी के ऊपर, लेकिन हो नहीं पाई, उससे पहले ही वो सीएम पद से हट गए। वैसे भी हम सोचेंगे तो गोंड सिंचाई परियोजना इसी नदी पर शुरू हो सकती थी, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा गोंड लोग रहते हैं। जब हम जाति जनजाति वाला टॉपिक करेंगे बड़ी इजली याद हो जाएगा, ये गोंड है, ये बैगा है, यहाँ भील है। तो फ्रेंड्स सोन नदी में इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।